हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 10th of March 2019। तो 10 मार्च 2019 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे एंड संडे का दिन है, दो न्यूज़पेपर आते हैं, एक न्यूज़पेपर दूसरा मैगजीन। वी विल बी कंप्लीटिंग बोथ द थिंग्स टुगेदर, दोनों हम साथ में ही कंप्लीट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट द क्वेश्चंस फॉर टुडे, आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। रिसेंटली इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज, किस मिनिस्ट्री ने रिलीज किया है इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान। ऑप्शंस आर ए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, बी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, सी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई या डी मिनिस्ट्री ऑफ पावर। क्वेश्चन नंबर टू इज विद रिस्पेक्ट टू चेंज रीसेंट चेंजेस इन स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग स्टार रेटिंग प्रोग्राम, स्टार रेटिंग प्रोग्राम में जो चेंजेस किए गए हैं उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स बताने हैं आपको। ये PIB से निकाला हुआ क्वेश्चन है जो डिस्कस होता है हमारे चैनल पे ही, आप देखते आई थिंक बहुत लोग देखना शुरू कर चुके हैं, लेकिन और जो नहीं देख रहे हैं प्लीज़ देखिए, बिकॉज PIB इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके, हिंदू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है PIB। The first statement is saying that it is mandatory for domestic consumers to shift towards energy efficient microwave ovens and washing machines. Statement 2 is saying that it is implemented by Energy Efficiency Services Limited, EESL. Which of the following statements are correct? 1 only, 2 only, both or none? Question number 3 is, consider the following statements regarding Nari Shakti Puraskar 2018. Okay, so Nari Shakti Puraskar ke regarding kaun kaun se statements sahi hai? Statement 1 is saying that it is the highest civilian honor for a woman in India. Second is, it was instituted by Union Ministry of Women and Child Development. Which of the following statements are correct? 1 only, 2 only, both or none? So these are the three questions. Please do try to answer these questions in the comment section below. And please do like the video. If you like the video, please do share it as well. Okay, so pasand kariye, like kariye, aur inko zyada zyada share kariye. So let's start with the news analysis part, friends. The first news is about Mudumalai Tiger Reserve. So bas iski location apne ko bahut zyada zaruri hai Mudumalai Tiger Reserve ki, to wo hai Tamil Nadu. Remember the state, Tamil Nadu, Mudumalai Tiger Reserve. Aur forest fire ke karan ye bhi fir se news mein tha recently bhi. Aur forest fire abhi recently bahut jagah news में था, जैसे कि अपने बांदीपुर टाइगर रिजर्व में अगर आपने देखा, जो कर्नाटका में लोकेटेड है, फिर वायनाड फॉरेस्ट एरिया जो आपका केरला में लोकेटेड है, ये सारे कहीं ना कहीं फॉरेस्ट फायर से बहुत ज्यादा परेशान थे। एंड मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट फायर्स इन इंडिया आर मैन मेड एंड दे अकर आइदर ड्यू टू नेग्लिजेंस और ड्यू टू डिलिबरेट एक्शंस। तो बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंस के कारण भी होता है, शॉर्ट सर्किट के सारे कारण, मतलब नेचुरल और मैनमेड दोनों रीजंस होते हैं फॉरेस्ट फायर्स के। एंड इट्स अ ह्यूज थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, बहुत ज़्यादा लॉस होता है। इससे कुछ फायदे भी थे जो मैंने डिस्कस किए थे ऑलरेडी, पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि इन्वेसिव स्पीशीज़ को ख़त्म कर देता है फॉरेस्ट फायर्स, जो इन्वेसिव स्पीशीज़ रहती हैं, और कंडीशनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब एक बार अगर फॉरेस्ट फायर नॉर्मल लेवल का, अगर नेचुरल फॉरेस्ट फायर है जो कि अपने आप ठीक हो जाता है, वो कंडीशनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, फिर जो लैंड की फर्टिलिटी है उसको रीगेन करने के लिए होता है। ये कुछ फायदे भी हैं, लेकिन ओवरऑल ये बहुत बड़ी थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी को, अगर ये ह्यूमन रीजन के कारण हो रही है तो फिर वह बहुत बड़ी थ्रेट है। तो ये याद रखिएगा, ये लोकेशन जो है वो याद रखिएगा। अब कल नीरव मोदी का एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने फिर से बोला, नो कमेंट्स, आई विल नॉट आंसर एनी ऑफ दिस क्वेश्चन, आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दिस, ये बोला कल नीरव मोदी ने। और टेलीग्राफ, आई थिंक टेलीग्राफ का के पत्रकार ने उनको पकड़ लिया था, वो भाग रहे थे, उनको कोई टैक्सी वाला उठा भी नहीं रहा था। अगर आपने वीडियो देखा हो तो कोई टैक्सी वाला उनके लिए रुक भी नहीं रहा था। ओके, तो ऐसा ही होता है अगर आप चोरी करो तो, फिर यही होता है कि ऑटो वाले और टैक्सी वाले भी नहीं रुकते हैं। तो अपन इसमें मेनली देखते हैं, ईडी के बारे में देख लेते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये बहुत न्यूज़ में आना चाहते थे तो इनके बारे में देख लेते हैं। ईडी इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन मैंडेटेड विद द टास्क ऑफ इन्फोर्सिंग प्रोविजन ऑफ टू लॉज। अब देखो, सबसे पहली बात ये बोलना चाहता है कि जो ईडी है यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, वो दो लॉज इंडिया के ऐसे जिनके साथ कंसर्न करता है, दो लॉज इंपॉर्टेंट है जिनके साथ ईडी डायरेक्टली कंसर्न करता है। पहला है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999, फेमा एक्ट ऑफ 1999, और दूसरा है PMLA एक्ट ऑफ 2002 यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट 2002, फेमा 1999, PMLA 2002। जो ओरिजिन हुआ था डायरेक्टरेट का, ईडी का, वो 1956 में हुआ था जब वो इन्फोर्समेंट यूनिट के रूप में बनी थी। ओके, 1956 में ये इन्फोर्समेंट यूनिट के रूप में बनी थी एंड ये तब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर थी। ओके, ये भी याद रखिएगा। नाउ 1957 में यूनिट का जो नाम था, यूनिट का नाम बदल करके इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया। 1957 में ही इसका नाम बदल करके इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया। अभी के जो चेयरमैन है वो संजय कुमार मिश्रा है एंड अभी जो इसका डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। ओके, सो ऑल दीज आर द फैक्ट्स रिगार्डिंग ईडी, आई होप यू गॉट क्लैरिटी ऑन दीज थिंग्स। एंड एक्स्ट्राडिशन का मतलब क्या होता है बेसिकली, इस एक्स्ट्राडिशन का मतलब कि कोई यहाँ का भगवान
फ्रॉड अगर दूसरी कंट्री में आ जाए तो दूसरी कंट्री से उसको वापस इस कंट्री में लाने की जो पूरी प्रोसेस कहलाती है वो एक्स्ट्राडिशन की प्रोसेस कहलाती है, कि मतलब भैया कुछ पैसे वैसे लेके आप उनको यहाँ भेज दो हमारी कंट्री में, चोरी की है हमारे यहाँ, है ना। तो अब वही नीरव मोदी के लिए किया जा रहा है। नीड टू रीथिंक OSA, दिस इज वॉट हामिद अंसारी सिंह। हामिद अंसारी के बारे में आप सब जानते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट पे थे, आप बताइएगा कौन सी पोस्ट में थे। ओके तो OSA यानी कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। अब कल एक कोई आई विल नॉट नेम दैट पर्सन, बट उन्होंने कहा कि 1904 में आया था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, तो याद रखिएगा प्लीज़ कि डोंट कन्फ्यूज इट विद सम अदर थिंग्स। इट वॉज फर्स्ट इनएक्टेड इन 1923 ओनली, तो 1923 में ही आया था, है ना। कन्फ्यूज होके दूसरों को भी कन्फ्यूज मत करिए, मैं कन्फ्यूज हो गया उसके कारण, है ना। तो ऐसी चीज़ें मत बोलिए जिससे मैं कन्फ्यूज हो जाऊँ, तो प्लीज़ डोंट से ऑल दिस थिंग्स। अगर आपको नहीं श्योर है तो आप मतलब गूगल कर लीजिए यार, गूगल करने में सब कुछ मिल जाता है ना। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 में आया था। अब ये लॉ मैंने पहले भी आपको पढ़ाया हुआ है, एक बार जल्दी से बता देता हूँ। एस्पियोनाज, सिडिशन, या आप कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं जो गवर्नमेंट को लगता है कि इट इज़ नॉट वेरी गुड फॉर द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ दिस कंट्री, तो गवर्नमेंट आपको पनिशमेंट दे सकती है, 14 साल तक की सज़ा दे सकती है, फाइन लगा सकती है, दोनों लगा सकती है। ओके तो बेसिकली लॉ मेक्स स्पाइंग या शेयरिंग सीक्रेट इन्फॉर्मेशन या विद होल्डिंग इन्फॉर्मेशन और इंटरफेरेंस विद द आर्म फोर्सेज, सारी चीज़ों को पनिशेबल ऑफेंस माना जाता है अंडर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। ओके एंड पनिशमेंट कितने दिनों की रहती है, 14 ईयर्स, 14 साल, या फिर फाइन, या फिर दोनों। ओके सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर OSA ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। आगे आज न्यूज़ में भी आया है काफ़ी ज़्यादा, फिर से देखेंगे अपन। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेजेस की तरफ जाते हैं। ऐड है, संडे का दिन है तो ज़्यादा एडिटोरियल्स आएंगे नहीं, क्लासिफाइड एड्स ज़्यादा आएंगे, आज संडे है ना। देखो ये वाली बिल्डिंग यहाँ बोलेंगे घर खरीद लो, नहीं स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है, अच्छा ठीक है। तो राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय यहाँ पे जगदीश मुखी स्वॉर्न इन एज द गवर्नर ऑफ मिजोरम। ओके तो जगदीश मुखी को मिजोरम का गवर्नर बनाया गया, तो ये फैक्ट भी याद रखेगा, पूछता है कुछ कुछ एग्जामों में, स्पेशली हमारा जो MP है वो जरूर पूछता है, कि भी उसको मतलब हर स्टेट का पता होना जरूरी है आपको। तो जगदीश मुखी हैज़ बीन स्वॉर्न इन एज द गवर्नर ऑफ मिजोरम, ये फैक्ट है। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं कोई स्टेट PCS का भी तो आपको पता होना चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस, आगे की तरफ मूव करते हैं। अब ऐड ज़्यादा हैं, काम की चीज़ें कम है ना। राहुल ये सारी चीज़ें हमको करनी नहीं है। विश्वनाथन अपोलोजाइजेस, करना नहीं है। रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स टू एड रेड फ्लैग्ड अंडमान टूरिज्म प्रोजेक्ट्स। अब देखो, अब रिसेंटली मैंने आपको बताया था, अगर आपको दिसंबर याद हो, फिर जनवरी याद हो, अगर वो पिछला न्यूज़ एनालिसिस थोड़ा बहुत याद हो आपको, तो कोस्टल रेगुलेशन जोन्स के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आया था, CRZ नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, ओके 2018 का। अब क्या होता है बेसिकली, अभी उन्होंने जो नए नोटिफिकेशन में निकाला है उसके अकॉर्डिंग क्या किया है, कुछ चेंजेस ऐसे किए हैं जिसके कारण कि बहुत सारे टूरिज्म प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे नियर बाय द कोस्टल रीजन्स। तो बेसिकली जो नए चेंजेस हैं वो इसीलिए किया गया है ताकि टूरिज्म इंडस्ट्री को डेवलप किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी जो बैक वाटर्स का, जो क्रीक्स का बैक वाटर्स का लैंड है उसको रिड्यूस कर दिया गया है फ्रॉम 100 मीटर टू 50 मीटर, उस लैंड एरिया को डिक्रीज, मतलब कि जितना आप खाली एरिया छोड़ोगे कोस्टल रेगुलेशन के रिगार्डिंग, कोस्टल एरियाज के अराउंड, उस एरिया को अब डिक्रीज किया जा रहा है। मतलब कि पहले ज़्यादा एरिया आपको छोड़ना पड़ता था, अब आपको कम एरिया छोड़ना पड़ेगा, मतलब आप ज़्यादा डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स वहाँ पे ला सकते हैं, ऐसे कुछ चेंजेस किए गए हैं। ओके और जो इसकी कैटेगरीज थी, Zone 1, Zone 2, इस तरह की कैटेगरीज थी, उनमें भी बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए हैं, और प्रोटेक्शन केवल एक जोन को मिल रही है, बाकी जोन्स को कोई प्रोटेक्शन नहीं दी जा रही है। तो ऐसे कुछ चेंजेस किए गए हैं। अब बेसिकली कोस्टल रेगुलेशन जोन जो बेसिकली आए थे, दे वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1991। कोस्टल रेगुलेशन जोन का मतलब क्या होता है, कि कोस्टल जोन का रेगुलेशन, सिंपल है ना। कोस्टल रेगुलेशन जोन का मतलब क्या है, कोस्टल जोन का रेगुलेशन। अब रेगुलेशन का मतलब क्या है, कि वहाँ की मॉनिटरिंग, वहाँ का कोस्टल एरिया जो है उसका एनवायरनमेंट सस्टेन रहे, सस्टेनेबल बनाया जाए, उसको गंदा ना किया जाए, उसको डिस्ट्रॉय ना किया जाए, उस पूरे इकोसिस्टम को बेसिकली उसको प्रोटेक्ट करके रखा जाए। तो ये सारे मैकेनिज्म्स जो आएंगे ये रेगुलेशन के अंतर्गत आएंगे, कोस्टल जोन का रेगुलेशन, सिंपल। तो पहला जो नोटिफिकेशन आया था वो 1991 में आया था, इट केम इन 1991 एंड इट वाज सब्सिक्वेंटली रिवाइज्ड इन 2011। तो 1991 में आया था पहली बार कोस्टल रेगुलेशन नोटिफिकेशन, उसके बाद 2011 में उसको CRZ नोटिफिकेशन 2011 से उसको मॉडिफाई किया गया। अब 2018 में आया, नाउ दिस हैज़ रिलैक्स्ड मेनी रिस्ट्रिक्शंस एंड परमिट constructions। ओके याद रखेगा, जो नया नोटिफिकेशन है उसमें एरिया तो मैंने बताया कि जो क्रीक्स एंड लैंड adjoining द क्रीक्स एंड बैक वाटर्स रिड्यूज फ्रॉम 100 to 50 meter, जो adjoining लैंड है क्रीक्स और बैक वाटर्स का उसको घटा दिया गया है फ्रॉम 100 to 50 meter, मतलब 50 मीटर एक्स्ट्रा में डेवलपमेंट करेंगे अब। और CRZ 2018 relaxes important restrictions and permit constructions। ओके एंड
जो सीआरजेड जोन्स थे, जो ये इस तरह के एरिया थे, वहाँ पे बिग होटल्स, रेस्टोरेंट्स, हाउसेस, कोस्टल हाईवेज, ये सारी चीज़ें बनाई जाएंगी और ये सारी चीज़ें बनाने के लिए अलाउ कर दिया गया है बेसिकली एक तरीके से उस नोटिफिकेशन में। इसलिए कहा जा रहा है कि अंडमान के जो जगह हैं, एव्स आइलैंड जैसे कि जो जगह है, ये सारी जगह हैं, वहाँ पर ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे अब। ओके, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने लगेंगे और हो सकता है कि वो आगे जाके इनके इकोसिस्टम को भी ख़राब कर दें। ओके, यहाँ पर न्यू क्लासिफिकेशन लिखा गया है, देखो आपको दिख रहा होगा, द न्यू नोटिफिकेशन डिवाइड्स द बिग और मेजर अंडमान आइलैंड्स इनटू टू ग्रुप्स। अब जो नया नोटिफिकेशन है, अंडमान को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। तो ग्रुप वन जो है, वेयर आइलैंड्स विद ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ मोर देन 1000 स्क्वायर किलोमीटर सच एज साउथ अंडमान, मिडिल अंडमान एंड नॉर्थ अंडमान एंड ग्रेट निकोबार। तो ग्रुप वन में वो आइलैंड्स है जिनके एरिया 1000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है, और ग्रुप टू जो आइलैंड्स हैं जिनका ज्योग्राफिकल एरिया 100 से ज़्यादा है लेकिन 1000 स्क्वायर किलोमीटर से कम है। ऐसे कौन से हैं? ऐसे हैं बारातांग, लिटिल अंडमान, हैवलॉक एंड कार निकोबार। ओके, तो ये बारातांग जरूर याद रखें, क्योंकि देखो कार निकोबार, लिटिल अंडमान तो आपको याद रहेगा कि अंडमान निकोबार ग्रुप का है। ओके, लेकिन ये जो बारातांग है ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। अगर सपोज कभी आपसे ये पूछ लेते हैं कि बारातांग जो आइलैंड है वो किस आइलैंड ग्रुप का पार्ट है, अंडमान का है कि लक्षद्वीप का है, तो आपको कन्फ्यूजन होगा। तो याद रखिएगा बारातांग जो है वो अंडमान एंड निकोबार का ही पार्ट है। बाकी सीआरजेड नोटिफिकेशन कारण क्या होगा मैंने आपको बता दिया। नाउ द हाई कोर्ट होल्ड्स द शिलोंग टाइम्स एडिटर पब्लिशर इन कंटेम्प्ट। ओके, तो ये शिलोंग टाइम्स की पब्लिशर हैं एंड एडिटर हैं, उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लगाया गया था और फाइन लगाया गया है 2 लाख का। अब देखो सिर्फ फाइन लगाया गया, यानी कि ये सिविल कंटेम्प्ट है। कंटेम्प्ट मैंने आपको कई बार बताया, फिर बताऊंगा आज, है ना, तो मैं मानूंगा नहीं जब तक आपके दिमाग में पूरा छप नहीं जाता। तो याद रखिएगा कंटेम्प्ट पनिशमेंट जो होती है बेसिकली दो आर्टिकल्स याद रखने हैं। पहले आर्टिकल 129 फॉर द सुप्रीम कोर्ट, वो कहता है कि इट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड इट कैन पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। देन आर्टिकल 215 इज देयर, आर्टिकल 215 कहता है हाई कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड कैन पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। ओके, जैसा कि अभी हाई कोर्ट ने किया ऊपर आपने देखा आर्टिकल 215 के अंतर्गत। अब कंटेम्प्ट भी दो टाइप के होते हैं, एक है सिविल कंटेम्प्ट वेयर देर इज अ विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ एनी जजमेंट और डिक्री ऑफ कोर्ट। ओके, जब कोई विलफुल डिसएग्री करता है या विलफुल डिसोबे करता है ऑफ एनी जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, देन दैट इज द केस ऑफ सिविल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट मतलब कि आप ऐसी चीज़ पब्लिश कर दो या ऐसी चीज़ बोलो जो स्कैंडलाइज करे द अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट और विच इंटरफेयर्स विद द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स और ऑब्स्ट्रक्ट्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जस्टिस ना सर्व करने दे या इंटरफेयर करे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, अगर आपने कुछ ऐसी चीज़ की तो वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आता है। ओके, दीज आर द स्पेशल फैक्ट्स रिगार्डिंग द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केसेज। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब बहुत मुश्किल है अच्छी न्यूज़ ढूंढना, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि अभी आई थी कोई अच्छी खास न्यूज़, है ना। तो मैंने पढ़ा है स्वैंकी टर्मिनल ऑफ करतारपुर फॉर करतारपुर पिलग्रिम्स। ओके, द सेंटर हैज़ अप्रूव्ड अ स्टेट ऑफ आर्ट पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग। अब सेंटर ने अप्रूव किया है कि स्टेट ऑफ आर्ट पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग जो कि लगभग 50 एकड़ में बनाई जाएगी फॉर द करतारपुर कॉरिडोर। याद रखेगा पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग बनाई जाएगी फॉर द करतारपुर कॉरिडोर। अब करतारपुर कॉरिडोर का नाम आया तो बता देते हैं, इट विल लिंक गुरदासपुर इन इंडियन पंजाब एंड करतारपुर इन पाकिस्तानी पंजाब। तो गुरदासपुर जो इंडियन पंजाब में है और करतारपुर जो पाकिस्तानी पंजाब में, उसको कनेक्ट करेगा। जो गुरुद्वारा करतारपुर साहिब है, इट वॉज स्टैब्लिश इन 1522 बाय गुरु नानक देव। याद रखिएगा गुरुद्वारा जो करतारपुर साहिब है वो 1522 में गुरु नानक देव ने इस्टैब्लिश किया था, एंड इट इज़ अ प्लेस वेयर गुरु नानक देव ब्रीथ हिज लास्ट, अंतिम समय उन्होंने यहीं बिताया था। बैंक्स ऑफ रावी रिवर, इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रावी रिवर। एंड करतारपुर कॉरिडोर विल प्रोवाइड अ वीज़ा फ्री एक्सेस फॉर द सिख इंडियन सिख पिलग्रिम्स टू गुरुद्वारा दरबार साहिब इन करतारपुर। ओके, एंड ये स्टार्ट कब होगा? 2019 में ही, जब 550th बर्थ एनिवर्सरी गुरु नानक देव की है। तो 550वीं बर्थ एनिवर्सरी गुरु नानक देव की है 2019 में, और तभी ये गुरुद्वारा स्टार्ट होगा करतारपुर साहिब में, ये वीजा फ्री एक्सेस स्टार्ट होगी। ओके, तो याद रखिएगा। नाउ वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पेजेस, आगे की तरफ मूव करते हैं। और क्या न्यूज है इंपॉर्टेंट? IRDAI। अब IRDAI न्यूज में तो बता देता हूँ, स्टैट्यूटरी ऑटोनॉमस बॉडी है जिसका टास्क क्या है, रेगुलेट एंड प्रमोट द इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज इन इंडिया। क्या टास्क है इसका? रेगुलेट करना और प्रमोट करना इंश्योरेंस सेक्टर को और री इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज को इंडिया में। बनी कब थी ये? IRDA एक्ट ऑफ 1999 का इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट है, उसके अंतर्गत इसको बनाया गया था। हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद में है। एंड IRDAI इज अ 10-member बॉडी इंक्लूडिंग द चेयरमैन, 5 full-time and 4 part-time members appointed by the central government। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट 10 members को अपॉइंट करता है, 1 उसमें चेयरमैन होता है, 5 उसमें फुल टाइम मेंबर होते हैं और 4 उसमें पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। ओके, सो दिस दीज आर द फैक्ट्स रिगार्डिंग दैट।
अब आगे की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे द लो डाउन ऑफ द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, यहाँ पे सेम वही चीजें फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बारे में आई है। तो पहले कब आया था, 1923 में आया था, जेनरिक टर्म है जो कि यूज किया जाता है, ब्रिटिशर्स द्वारा लाया गया था 1923 में, और इसमें डिप्लोमेसी, नेशनल सिक्योरिटी, एस्पियोनाज एंड अदर स्टेट सीक्रेट्स के बारे में बताया गया है। ये केवल उसमें मतलब कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ साथ इन सारी चीजों के साथ भी डील करता है ये एक्ट, याद रखिएगा। एंड 1923 एक्ट में पेनल्टीज है फॉर स्पाइंग, स्पाइंग के अलावा उसके साथ जैसे कि कोई आप ऐसी चीज मतलब शेयर कर देते हो, कोई ऐसा सीक्रेट शेयर कर देते हो जो कि गवर्नमेंट ये सोचती है जिसको कि ये कंट्री की सिक्योरिटी है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा कि वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड है। उन सब के लिए पनिशमेंट दे सकते हैं, गवर्नमेंट दे सकती है पनिशमेंट दे सकती है, 14 साल तक की पनिशमेंट है और फाइन भी है, दोनों यहाँ लगा सकते हैं। क्रिटिसिज्म क्या है, द प्राइमरी क्रिटिक इज दैट एक्ट इट फ्लिप्स द कंस्टिट्यूटिव लॉजिक ऑफ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जो कॉन्स्टिट्यूशन का लॉजिक है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का उसके अपोजिट ये काम करता है। कैसे, कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बोलता है कि दैट स्टेट इज सपोज टू बी ट्रांसपेरेंट टू द सिटीजन्स, स्टेट इज सपोज टू बी ट्रांसपेरेंट टू द सिटीजन्स, स्टेट को ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए सिटीजन्स के सामने, लेकिन उल्टा हो रहा है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंतर्गत वो ट्रांसपेरेंट ना रहने की बजाय और ज्यादा ओपेक होता जा रहा है। दूसरी चीज, दिस मेक्स विसल ब्लोइंग एंड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म अ पेरिलस इंटरप्राइज, मतलब विसल ब्लोइंग का और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का कोई स्कोप नहीं रह जाता। अगर आप ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंतर्गत देखें तो आप कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। तो सपोज गवर्नमेंट कोई चोरी कर रही है, गवर्नमेंट कुछ गलत काम कर रही है, अब गवर्नमेंट के अंदर का ही कोई व्यक्ति विसल ब्लोअर बनना चाहता है और वो चाहता है कि इस चोरी का खुलासा करा जाए, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये चीज़ जरूरी है जानना लोगों को? बिल्कुल ज़रूरी है ना, आपको लगता भी होगा। तो अगर ये चीज़ ज़रूरी है तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तो उस चीज़ को बिल्कुल मना कर रहा है कि आपको शेयर नहीं करनी इन्फॉर्मेशन, तो कहीं ना कहीं ये पेरिलस है फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म एंड विसल ब्लोइंग दोनों के लिए। तो ये इसका क्रिटिज्म बहुत प्यारे क्रिटिज्म्स हैं, आपको याद रखना है। आरटीआई के रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि मुझे भी नहीं पता था, यहाँ पे आप देखिएगा, द स्कोप ऑफ ओएसए हैज़ बीन समवॉट डाइल्यूटेड थैंक्स टू राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, बिकॉज सेक्शन 22 ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट एक्सप्रेसली सेज दैट इट ओवरराइड्स द ओएसए। याद रखिएगा आरटीआई एक्ट का सेक्शन 22 है जो कि कहता है कि इट ओवरराइड्स ओएसए, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को ओवरराइड करता है आरटीआई का एक्ट जो है, सेक्शन 22 उसका ये चीज बोलता है। ओके, सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड अंडरस्टैंड। ओके, इसको याद रखिएगा। एंड या गवर्नमेंट इस तरह से विदहोल्ड नहीं कर सकती एक्सेप्शंस टू ओएसए का नाम लेके, है ना। अब हाउ ऑफन ओएसए इज यूज्ड, ऑथर ने कहा है कि रेयरली होता है, लेकिन इतना तो यूज होता है कि न्यूज में हमेशा बना रहता है, होता रेयरली है बट इतना होता है कि ये हमेशा न्यूज में बना रहता है। नाउ जीएसपी के बारे में दूसरा आर्टिकल था, तो जीएसपी आप सबको पता है कि जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस है, एंड जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस बेसिकली यूएसए का एक ऐसा ट्रेड प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत वो ड्यूटी फ्री एक्सेस देते हैं फॉर सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, ड्यूटी फ्री एक्सेस गुड्स के लिए देते हैं। अब ये दे गिव दिस ड्यूटी फ्री एक्सेस टू द गुड्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। ओके, इंडिया वॉज द लार्जेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ दिस प्रोग्राम, जीएसपी प्रोग्राम, इंडिया वॉज द लार्जेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ दिस जीएसपी या जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस प्रोग्राम। एंड क्या होता है, बेसिकली ड्यूटी फ्री या एलिमिनेट ड्यूटी कर देता है बहुत सारे इंपोर्ट्स में, अब यूएसए करता है। ये इंट्रोड्यूस कैसे हुआ था, बेसिकली इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द ट्रेड एक्ट ऑफ 1974, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है याद रखिएगा। एस्टैब्लिश कब हुआ था ये, बाय द ट्रेड एक्ट ऑफ 1974, जीएसपी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द ट्रेड एक्ट ऑफ 1974। अब ऑथर का ये कहना है कि क्या इंपोर्ट जो एक्सपोर्ट है इंडिया का वो इफेक्ट होगा, तो ऑथर ने कहा कि देखो ओवरऑल एक्सपोर्ट ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमारा जो बेनिफिट वाला पार्ट है वो केवल 190 मिलियन डॉलर है आउट ऑफ 5.6 बिलियन डॉलर, द बेनिफिट पार्ट जो है जीएसपी के अंतर्गत वो 190 मिलियन डॉलर है। ओके, बट स्पेसिफिक सेक्टर्स विल बी हिट बाय दिस, लेकिन स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं जो कि इसके साथ बहुत ज्यादा हिट होंगे, जैसे कि जेम्स एंड ज्वेलरीज, लेदर एंड प्रोसेस्ड फूड्स। ओके, दे विल लूज द ऑल द बेनिफिट्स, दे विल लूज ऑल द बेनिफिट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ज्वेलरी, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर एंड प्रोसेस्ड फूड्स है वो बहुत ज़्यादा लूज करेंगे बिकॉज ऑफ दिस। ओके, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो जो इंडिया को चाहिए कि जनरलाइज सिस्टम प्रेफरेंस मेंटेन रहे। प्रोटेक्टिंग द सुंदरबन वेटलैंड, नाउ जनवरी 30 में क्या हुआ, एक नोटिफिकेशन आया दैट इंडियन सुंदरबन हैज़ बीन अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ओके, सुंदरबन को वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस बताया गया अंडर रामसर कन्वेंशन, ये जनवरी 30 की न्यूज़ है, 30 जनवरी की न्यूज़ है। ओके, रामसर कन्वेंशन जो कि वेटलैंड से रिलेटेड है, वेटलैंड कंजर्वेशन से, उसके अंतर्गत इसको एक रामसर साइट बना दिया गया है।
जो इंडियन सुंदरबन है दे कंस्टिट्यूट ओवर 60% ऑफ द कंट्रीज टोटल मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया। तो इंडिया का जो टोटल मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया है उसका 60% सोच लो आपका सुंदरबन में है। 60% जो मैंग्रोव कवर है इंडिया का वो सुंदरबन में है। नाउ दिस सुंदरबन विल बी द 27th रामसर साइट इन इंडिया। 27th रामसर साइट है, 26 है ऑलरेडी, अभी थी। ओके तो आप उन 26 के नाम मुझे बताइएगा, एटलीस्ट ना बताइए तो आप एटलीस्ट पढ़ लीजिएगा। और इसका कहाँ पे सोर्स मिलेगा आपको, गूगल करेंगे तो आपको मैप मिल जाएगा। अदरवाइज आपके पास अगर बुक से पढ़ना चाहते हैं तो शंकर आईएएस में पीछे अपेंडिक्स पेज जो रहते हैं, लास्ट के जो अपेंडिक्स हैं उसमें ये बकायदा 26 के 26 साइट्स लिखे हुए हैं, है ना, तो स्टेट वाइज, तो आपको कर लेने वो, है ना, ये जरूरी जरूर कर लीजिएगा ये चीज़। नाउ द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जो इसको रामसर कन्वेंशन बोलते हैं, जो कि वेटलैंड कंजर्वेशन से रिलेटेड है। रामसर एक साइट है बेसिकली ईरान में, विच वॉज रामसर साइट, जो रामसर है वो ईरान में एक सिटी है, एंड दिस वॉज अडॉप्टेड इन 1971। तो रामसर जो कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया था वो 1971 में अडॉप्ट किया गया था, और फोर्स में 1975 में आया था। देन अदर फैक्ट इज दैट रामसर कन्वेंशन वॉज अडॉप्टेड इन 1971 एंड इन फोर्स इट केम इन 1975, याद रखिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके अब हाउ डिड सुंदरबन क्वालिफाइड फॉर दिस रामसर साइट। तो इंडियन सुंदरबन जो है वो चार क्राइटेरिया को मीट कर रहा था। अब चार क्राइटेरिया हैं फॉर गेटिंग द स्टेटस ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस बनने के लिए चार क्राइटेरिया हैं। फर्स्ट, देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ रेयर स्पीशीज एंड थ्रेटेंड इकोलॉजिकल कम्युनिटीज। ओके, रेयर स्पीशीज एंड थ्रेटेंड इकोलॉजिकल कम्युनिटीज। सेकेंड इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। थर्ड इज सिग्निफिकेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव फिश एंड फोर्थ एंड फिश स्पॉनिंग ग्राउंड एंड फोर्थ इज माइग्रेशन पाथ। ओके तो ये चार चीज़ें थी जो कि अवेलेबल थी वहाँ पे। जैसे कि पहला, प्रेजेंस ऑफ रेयर स्पीशीज एंड थ्रेटेंड इकोलॉजिकल कम्युनिटी, तो बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ रेयर स्पीशीज भी था और थ्रेटेंड इकोलॉजिकल कम्युनिटी भी था। देन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होनी चाहिए, वो भी था। सिग्निफिकेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव फिश एंड फिश स्पॉनिंग ग्राउंड, वो भी था। एंड फोर्थ अ माइग्रेशन पाथ। तो ये चारों क्राइटेरिया फुलफिल किया सुंदरबन ने और तब जाके उसको इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का वेटलैंड बनाया गया है। और सुंदरबन जो रीजन है उस वहां पे एक वो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इट इज ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड इट इज होम टू द रॉयल बंगाल टाइगर। ओके, रॉयल बंगाल टाइगर का होम भी है ये, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके अब वो रेयर स्पीशीज के नाम भी लिखे, जैसे कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज है नॉर्दर्न रिवर टेरापिन। ओके, नॉर्दर्न रिवर टेरापिन इट्स अ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज, इसका नाम भी याद रखेगा, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में याद रखेगा, ये आपके सुंदरबन में पाए जाते हैं नॉर्दर्न रिवर टेरापिन। ओके, इसको बतागूर बस्का बोलते हैं, इसका जो वो नेम है, क्या नाम है बोलते हैं उसको, साइंटिफिक नेम है ना, बातागुर बस्का। इंडेंजर्ड स्पीशीज है इरावदी डॉल्फिन, जो है वो भी इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती हैं। ओके, इरावदी डॉल्फिन, एंड ये भी नाम याद रखिएगा, वल्नरेबल फिशिंग कैट, ये भी सब यहाँ, सब यहाँ सब लोग ये अवेलेबल है ये सारी स्पीशीज। एंड क्या इसको हेल्प मिलेगी बेसिकली, तो रामसर स्टेटस विल हेल्प टू हाईलाइट द कंजर्वेशन इशू ऑफ द सुंदरबंस एट द इंटरनेशनल लेवल। अब इंटरनेशनल लेवल पे बेसिकली इसके कंजर्वेशन को हाईलाइट किया गया है और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाएगा फॉर प्रोटेक्टिंग दिस इंटायर वेटलैंड। ओके, तो इस पूरे वेटलैंड को बचाने की कोशिश की जाएगी और ज़्यादा। आगे मूव करते हैं साइंस पेज पे, यहाँ पे बेले टू इज द नेम, एंड बेले टू इज बेसिकली अ पार्टिकल एक्सेलरेटर एक्सपेरिमेंट जो कि सुकूबा जापान में है। इट इज लोकेटेड इन सुकूबा जापान, एंड नाम याद रखिएगा बेले टू, इट्स अ पार्टिकल एक्सेलरेटर एक्सपेरिमेंट। नोट करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। ओके, बेले टू इज बेसिकली वॉट अ पार्टिकल एक्सेलरेटर एक्सपेरिमेंट लोकेटेड इन सुकूबा जापान। ओके, अब टी साइलेंट रहेगा, सुकूबा जापान बोलेंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, व्हाट हैपेंस हियर इज दैट इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स क्या होते हैं, दे आर एंटी इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर कोई आपसे पूछे कि एंटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, तो उनको पॉजिट्रॉन्स बोलते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिट्रॉन्स दे कोलाइड टू प्रोड्यूस बीटा मेसॉन्स। ओके, बी मेसॉन्स पार्टिकल्स बनाते हैं, दे कोलाइड टू फॉर्म बीटा या बी मेसॉन्स बनाते हैं। कौन कोलाइड करता है, इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिट्रॉन्स, दे कोलाइड टू फॉर्म बी मेसॉन्स इन ऑर्डर टू स्टडी द ब्रेकडाउन ऑफ सिमेट्री इन दीज डिकेज। ओके, तो सिमेट्री पढ़ने के लिए क्या किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स को कोलाइड किया जाता है और वो क्या बनाते हैं, बी मेसॉन्स पार्टिकल बनाते हैं। ओके, अब ये क्या है बेसिकली, बेले टू हैज एन इंडियन लिंक बिकॉज अ टीम लेड बाई फिजिसिस्ट्स एंड इंजीनियर्स फ्रॉम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई हैव बिल्ट द फोर्थ लेयर ऑफ द वर्टेक्स डिटेक्टर। जो इसका वर्टेक्स डिटेक्टर है, याद रखेगा, बेले टू प्रोग्राम का इंडियन लिंक क्या है कि जो TIFR की फिजिसिस्ट एंड इंजीनियर्स हैं उन्होंने इसके वर्टेक्स डिटेक्टर की फोर्थ लेयर बनाई है। दे हैव मेड द
फोर्थ लेयर ऑफ दिस वर्टेक्स डिटेक्टर ऑफ दिस। फोकस क्या है बेले टू का? बी मेसॉन्स या बीटा मेसॉन्स पार्टिकल्स को पढ़ना। इनके अंदर क्या होता है? दे कंटेन बी क्वार्क्स, ओके, बीटा क्वार्क्स इसके अंदर होते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज ब्यूटी और बॉटम क्वार्क्स, ओके, याद रखिएगा ब्यूटी और बॉटम क्वार्क्स कहा जाता है बी क्वार्क्स को। एंड बेले टू याद रखिएगा बी मेसॉन्स पार्टिकल्स को स्टडी करने के लिए, बी मेसॉन्स पार्टिकल। एंड बी मेसॉन्स के अंदर क्या क्या होते हैं? बी क्वार्क्स होते हैं जिनको ब्यूटी या बॉटम क्वार्क्स कहा जाता है। तो याद रखिएगा सारे फैक्ट्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे मूव कर सकते हैं अपन, क्योंकि आगे कुछ मूव करने की जरूरत है ही नहीं, अब दूसरे पेपर में ही मूव करते हैं अपन, है ना। सो नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड न्यूज पेपर, यहाँ पे मैगजीन। अब मैगजीन पार्ट में आते हैं, काफी कुछ रिवाइज करने को मिल जाएगा अपने को। डेनेरिस टारगेरियन, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम बेसिकली मैंने पहले भी न्यूज में बताया था, तो ये पूरा वीकली शायद एक रिविजन टाइप का आपको हो जाएगा। बेसिकली टू कंजर्व इंडियाज प्री हिस्टोरिक हेरिटेज, प्री हिस्टोरिक हेरिटेज यानी कि जो सपोज पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेज या जियोलॉजिकल एविडेंसेज जो इंडिया के पास है, जैसे कि डायनासोर या इसके कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इधर उधर स्कैटर्ड हैं, उनको इंडिया एक म्यूजियम में रखना चाहता है जो कि स्मिथसोनियन म्यूजियम यूएसए की तर्ज पे बनाया जाएगा। सो दिस म्यूजियम विल बी मॉडल्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्मिथसोनियन म्यूजियम ऑफ यूएसए। तो इसको अर्थ म्यूजियम कहा जाएगा या नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम ऑफ इंडिया कहा जाएगा, अर्थ म्यूजियम बोला जाएगा बेसिकली। अब ये दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव रीजन में आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है। और इट विल बी बिल्ट विद द हेल्प ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, याद रखिएगा, टू कंजर्व इंडियाज प्री हिस्टोरिक हेरिटेज। प्री हिस्टोरिक हेरिटेज को कंजर्व करने के लिए, जैसे कि डायनासोर्स, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, इन सबको कंजर्व करने के लिए ये नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम इंडिया का बनाया जाएगा, जिसकी जो किसके ऊपर मॉडल रहेगा? स्मिथसोनियन म्यूजियम ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दैट इज द फर्स्ट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, याद रखेगा। अब आगे मूव करते हैं, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, मारुति हैज सेटअप इंडियाज फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट सेंटर इन 4 RTOs इन न्यू दिल्ली टू इशू लाइसेंसेज विद मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन, याद रखेगा मारुति ने सेटअप किया है। ये न्यूज हाईलाइट करना भूल गया था मैं, मारुति हैज सेटअप इंडियाज फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटेड, याद रखेगा इंडियाज फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट सेंटर्स, ओके, फुल्ली ऑटोमेटेड ड्राइविंग सेंटर। कोई अगर पूछे कि किस कंपनी ने एस्टैब्लिश किया फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट सेंटर, याद रखिएगा मारुति ने किया है। इंदौर बेस्ट सिटी है, क्लीनेस्ट सिटी है, आपको बता दिया मैंने। दूसरे नंबर पे अंबिकापुर छत्तीसगढ़ की है, तीसरे पे मैसूरु कर्नाटका में है, भोपाल जो है क्लीनेस्ट कैपिटल है फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम। ये सारी चीज़ें बाकी मैंने स्वच्छता सर्वेक्षण में पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है और अंदर की जो पूरी डिटेल्स है वो भी डिस्कस की है, ओके। तो GOT के बारे में तो अपन डिस्कस नहीं ही करेंगे, ओके, लास्ट सीजन आने वाला है। अ वेल ऑफ डिलेमा फॉर द मॉडल नेशन, और दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ये आपको पहले तो एक एरो दिख रहा होगा, जापान हैज विदड्रॉन फ्रॉम द इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन। अब जापान ने विदड्रॉ कर लिया है इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन से एंड स्टार्ट कर दी है कमर्शियल वेलिंग, ओके, कमर्शियल वेलिंग स्टार्ट कर दी है। याद रखिएगा पहली चीज क्या कि जापान ने विड्रॉ कर लिया इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन से, देखो लिखा हुआ था, और वहां ने वेलिंग स्टार्ट कर दिया बेसिकली, है ना, वेल ब्लू वेल्स को मारना, पकड़ना, आगे की चीजें करना, है ना, उसको एक पूरी इंडस्ट्री चल रही है ना वेल्स के नाम पे, काफी कुछ बनाया जाता है उनकी चमड़ी से, वो सब चीजें याद रखेगा। ना इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन के बारे में आपको बता देता हूँ, इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन इज बेसिकली एन इंटरनेशनल बॉडी सेटअप बाय द टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर रेगुलेशन ऑफ वेलिंग। तो ICRW एक बेसिकली कन्वेंशन था जिसका नाम है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द रेगुलेशन ऑफ वेलिंग, ओके, इट वॉज साइंड इन वॉशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स। कब साइन हुआ था ये? 2 दिसंबर 1946 को, 2 दिसंबर 1946 को साइन किया गया था। उसी के साथ इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन बनाया गया, एक इंटरनेशनल बॉडी है इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन, जो कि किसके अंतर्गत काम करती है, किसके अंदर काम करती है, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर रेगुलेशन ऑफ वेलिंग ICRW, जो कि कब साइन किया गया था? 2 दिसंबर 1946 में साइन किया गया था। क्या बेसिकली इसके अंदर है? टू प्रोवाइड फॉर द प्रॉपर कंजर्वेशन ऑफ वेल स्टॉक्स एंड दस मेक पॉसिबल द ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ द वेलिंग इंडस्ट्री। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि इन्होंने जो एक मोराटोरियम साइन किया था, मतलब अनिश्चितकाल तक के लिए बंद कर दिया गया था, क्या? कमर्शियल वेलिंग को इन्होंने मोराटोरियम साइन किया था 1982 में, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट से याद रखेगा। मोराटोरियम वॉज साइंड ऑन कमर्शियल वेलिंग, ऑन बैनिंग द कमर्शियल वेलिंग सिंस
1982 1982 में था, लेकिन उसका अपोज बहुत सारी कंट्रीज कर रही थी जैसे कि जापान रशिया, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा एक ग्राउंड है जिसके जिसका यूज़ कर सकते हैं इकोनॉमी के लिए, बेनिफिट के लिए, और वो चाहते थे कि कमर्शियल बैनिंग कमर्शियल व्हेलिंग जो है वो बंद ना हो, वो चलती रहे। तो जापान रशिया ऐसी कंट्रीज जो हैं वो उसको अपोज करते हैं, और जापान ने लास्ट ईयर इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन से बाहर भी आ गए, लगभग 89 मेंबर्स हैं, याद रखिएगा 89 मेंबर्स हैं इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन के अंतर्गत, जापान उससे बाहर आ चुका है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैंने आपको बाकी फैक्ट बताया कि 1946 में बना था और 1982 में मोराटोरियम साइन किया गया था। ओके, अब आगे की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे आंगनवाड़ी प्रोग्राम के बारे में बस एक लाइन याद रखिएगा कि इंडियन आंगनवाड़ी प्रोग्राम इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मदर एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन एंड केयर प्रोग्राम। याद रखिएगा कि इंडियन आंगनवाड़ी जो है वो वर्ल्ड का बिगेस्ट मदर एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन एंड केयर प्रोग्राम है। एंड बहुत सारे फ्लॉज हैं बेसिकली इसके अंदर, बहुत सारे फ्लॉज हैं जैसे कि फंड की प्रॉब्लम रहती है, पेमेंट की प्रॉब्लम रहती है, हाइजीन की प्रॉब्लम रहती है, तो कुछ कुछ है, बट देन ऑल्सो इट इज़ गेटिंग मेनी थिंग्स राइट, जैसे कि उनको न्यूट्रिशन खाना प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें तो उनको मिल ही रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अच्छा भी हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन, बिकॉज ऑफ दिस आंगनवाड़ी प्रोग्राम। ओके, याद रखेगा। अब ये पता नहीं, मैं करना नहीं चाहता था पर क्यों किया मैंने, आई डोंट नो, बट ये केरला वाला न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। केरला द लैंड ऑफ चेक्कुटी। ओके, तो लैंड ऑफ चेक्कुटी। अब चेक्कुटी क्या है बेसिकली, दे आर डॉल्स, चेक्कुटी आर द डॉल्स, और फ्लड के बाद इसको दोबारा स्टार्ट किया गया है, एंड दे आर मेड ऑफ डैमेज टेक्सटाइल टू हेल्प द वीवर्स। डैमेज टेक्सटाइल से बनाया जा रहा है टू हेल्प द वीवर्स, इसको बोलते हैं द लैंड ऑफ चेक्कुटी, यानी चेक्कुटी डॉल्स का लैंड बोला जा रहा है केरला को। एंड दे हैव बिकेम अ मैस्कॉट ऑफ रेजिलियंस एंड सॉलिडेरिटी। याद रखेगा, एक शॉर्ट फिल्म बनाई गई है केरला द लैंड ऑफ चेक्कुटी, ये शॉर्ट फिल्म है बेसिकली, बट चेक्कुटी है क्या, द लैंड द डॉल्स ऑफ केरला। ओके, ये डॉल्स बनाई गई हैं और ये वेस्ट जो टेक्सटाइल है उससे बनाया जाएगा। ओके, सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी ऑन दैट ऑल्सो। शोले होली कब है, हाँ, गैग ऑर्डर्स बेसिकली क्या होते हैं? गैग ऑर्डर्स आर बेसिकली लीगल ऑर्डर और बाय अ कोर्ट और बाय अ गवर्नमेंट जो कि रिस्ट्रिक्ट करती है इन्फॉर्मेशन और कमेंट फ्रॉम बीइंग मेड पब्लिक, जो कि आपको इन्फॉर्मेशन शेयरिंग से मना करती है। जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है वो एक तरह का गैग ऑर्डर ही है ना। तो याद रखिएगा, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा द हिंदू के ऊपर भी किया है, और अगर हिंदू के ऊपर करोगे तो हिंदू अपने पेपर में तो आपको नहीं छोड़ेगा ना यार, ऑब्वियस सी बात है। तो ये वाली बात भी है, गैग ऑर्डर का मतलब याद रखिएगा। लेकिन ऑलिव रिडली द रिडल द रिटर्न ऑफ रिडलीज एंड अरीबाड़ा, पहले तो नाम अरीबाड़ा सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है पूरे ऑलिव रिडलीज के आने का जाने का, उसमें सबसे बड़ा नाम है अरीबाड़ा। अरीबाड़ा यानी कि जो मास नेस्टिंग करते हैं एक साथ बैठ के, जो इनके जो जो एग लेइंग करते हैं वो काम करते हैं, उसको अरीबाड़ा कहते हैं, ARIBADA, अरीबाड़ा। दिस इज द नेम गिवन टू दैट मास नेस्टिंग, जो मास नेस्टिंग ऑलिव रिडली करते हैं। अब इसमें दो तीन फैक्ट्स ओलिव रिडली के बारे में, दैट दिस देयर एग इनक्यूबेट इन हीट ऑफ द सैंड। वो क्या करते हैं कि एक गड्ढे खोद देते हैं सैंड के अंदर और वहाँ पे अपने अंडे को छुपा देते हैं, और उसी की हीट से वो उसकी हैचिंग होती है और वो इनक्यूबेट होता है बेसिकली। ओके, अब यहाँ पे कहाँ कहाँ, जो सबसे बड़ा साइट है वो गहिर माथा मैरीन सेंचुरी है। गहिर माथा ऋषिकुल्या नदी के पास है, ऋषिकुल्या रिवर उड़ीसा, गहिर माथा उड़ीसा एंड ऋषिकुल्या रिवर, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट नाम है याद रखिएगा। ये जो है ये सबसे बड़ी साइट है यहाँ की। दिस इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट नेस्टिंग बीच ऑफ रिडलीज, याद रखिएगा, बिगेस्ट नेस्टिंग बीच है रिडलीज का गहिर माथा मैरीन सेंचुरी और ऋषिकुल्या रिवर। ये शेड्यूल वन ऑर्गेनिज्म है, याद रखिएगा, शेड्यूल वन के अंतर्गत आता है ऑलिव रिडली, शेड्यूल वन के अंतर्गत आता है, और वल्नरेबल है, जो IUCN स्टेटस है उसका वो वल्नरेबल है। और अगर ये 100 अंडे देते हैं, 190 या 200 अंडे देते हैं, तब जाके कहीं 100, हर 100 अंडे में लगभग एक अंडा ही ऐसा होता है जो कि प्रॉपर, जो कि फाइनल स्टेज तक जाता है, एडल्ट स्टेज तक जाता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ऑलिव रिडलीज को परेशान कर रही हैं, जैसे कि मैंने कई बार आपको घोस्ट नेट्स के बारे में बताया था। घोस्ट नेट्स मतलब कि जब लोग फिशिंग करने जाते हैं तो अपने नेट्स को वहीं छोड़ देते हैं, जो ख़राब हो जाते हैं नेट उनको वहीं फेंक देते हैं, और उनके उसमें इंटेंगल होकर ये ऑलिव रिडलीज की जान चली जाती है। दूसरा, अनप्लान्ड कोस्टल डेवलपमेंट जो है, अनप्लान्ड कोस्टल डेवलपमेंट, वो बहुत बड़ा रीज़न है इनके इनके डेथ टोल का। फिर सी इरोजन, सी इरोजन इज अनदर इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर डिक्रीज इन नंबर ऑफ दीज ऑलिव रिडलीज। सी इरोजन भी है, अनप्लान्ड कोस्टल डेवलपमेंट, सी इरोजन, घोस्ट नेट्स, ये सारे हैं जो कि इफेक्ट कर रहे हैं। ऋषिकुल्या रुकरी, इसके अलावा मैंने आपको और बताया था चीजें, जैसे कि होप आइलैंड, होप आइलैंड जो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड होप आइलैंड, ये आपका कहां पर है, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। फिर एक और याद रखिएगा फैक्ट, देवी रिवर, देवी रिवर DEVI, देवी रिवर जो है वो भी उड़ीसा के इसी रीजन में आती है जहां पर ये नेस्टिंग करते हैं, वहीं पे आती है। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है।
अब ये जो यहाँ पे ऋषिकुल्या के पास जो रुकरी है वहां पे लास्ट ईयर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमिना देखा गया, वो फिनोमिना था डबल मास नेस्टिंग का। ओके, तो डबल मास नेस्टिंग का फिनोमिना देखा गया, ये भी याद रखेगा आप, जब इतनी चीजें पढ़ी रहे हो तो ये क्यों छोड़े, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, इनको दिमाग में रखिएगा। सो आई डोंट थिंक इसके बाद कुछ न्यूज है। एक और है, सिलिकॉन सिटी आपको पता है, बेंगलुरु सिलिकॉन सिटी इंडिया की कौन सी है, बेंगलुरु ही है इंडिया की सिलिकॉन सिटी, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया आप बोल सकते हैं। अमित भड़ाना, भुवन बाम, हाईएस्ट यूट्यूबर्स, ठीक है। सो दैट इज इट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी ऑन दिस। दैट इज इट फॉर द डे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स, प्लीज कीप लाइकिंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।